2018 मसीह मेघना गुलजार को निर्देशित एक सिनेमा रिलीज होता जार ना थिला राजी। आलिया भट्ट अभिनीत यह सिनेमा हे एक स्पाई थ्रिलर से सिनेमार संपूर्ण कहानी आम कह चाहूना किंतु से आलिया भट्ट भूमिका थिला जड़े एजेंट हिसाब से ए सिनेमा विषय आज आम यही कहूँ कारण भारत एमती किसी घटना घटी एबकार घटना और से सिनेमा विषय में किसी भी सामंजस्य ना तथापि उभय कहानी गोटे प्रसंग बह ओ सस्पेंस सीमा हैदर जड़े पाकिस्तानी बेगम प्रेम पाई सातदरिया डे भारत पलै आसछंती निज मनर मनीष पाखकु हिंदू धर्म ग्रहण करी विवाह भी करिछंती किंतु तमाम चर्चा आलोचना भितरे संदेहर मायाजाल से फसी जाइछंती। ए केमितिका मायाजाल जेतेबेले गोटिए देश कथा उठे जेतेबेले देशात्मबोधक कथा उठे सेतेबेले जे केही ना काहे कि टिके संवेदनशील होई उड़े आज ठीक एमिति किछि घटिछि एई देशरे प्रेम एवं प्रतारणार द्वंद्व युद्ध भितर पाचेरी होई छिड़ा होई जड़े रहस्यमय प्रेमिका से मायाविनी प्रेमिका सतरे कौन जड़े स्पाई एजेंट। नमस्कार मु बंदिता चलंतु आरंभ करिबा एने आज स्पेशल रिपोर्ट। मिस्ट्रियस वोमेन सीमा हैदर जड़े प्रेमिका ना प्रहेणिका रहस्यमय सीमा को नहीं अनेक चर्चा प्रेम पाई सातदरिया पार करिबा पड़िबो कि महंगा ना ये लव स्टोरी पछरे रही एक बड़ षड्यंत्र ए तमाम प्रश्न भितर घांटी चकटी होउछी एटीएस अर्थात आंटी टेररिस्ट स्क्वाड कारण पाकिस्तानी बेगम प्रेमिका नुहे बरंग जड़े आईएसआई एजेंट थिबा नै एमिती किछि सुराग पाइछि तदंतकारी संस्था सेइथि पाई तो मायाविनी प्रेमिकार लव स्टोरी को फेक स्टोरी रे प्रमाणित करने एवं तथ्य प्रमाण जोगाड़ करुछि तदंतकारी संस्था लगातार दुई दिन धरी घन घन जेरा करी सीमा हैदर को झाल बुहाई देछि एटीएस। जांच चल रही है, अगर ऐसी जांच होगी तो जेल जाएगी। हाँ हमारी बहू है, लड़का ही बहू है, हम क्या बात है, देश की बहू है। जबरदस्ती कोई करिए, दोनों की राजी से ही तो आए, अपनी मर्जी से आई है वो। पांचवी पास एक लड़की इतनी कम पढ़ी लिखी, इतनी हाई फाई लेवल की और फिर बोलने में इतनी एक्सपर्ट है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह होता है। पॉलीग्राफ खुलिब प्रहेलिका मिली प्रमाण फसी बेसिबा कारण पाकिस्तानी बेगम प्रेमिका नुनी एजेंट पाकिस्तानी जासूस हो सकती हैं। इन सभी सवालों को लेकर लगातार एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही है, लेकिन देखिए एक एक पहलू से जांच पड़ताल लगातार की जा रही है पाकिस्तान में, कराची में, उनके घर से लेकर उनके पासपोर्ट से लेकर उनके परिवार को लेकर। दिनों जेती की गोड़ूची सस्पेंस सेती की बढ़ूची सीमा सचिन लव स्टोरी रे नुआ ट्विस्ट। पाकिस्तानी बेगम को नहीं नाना चर्चा आरंभ होगा पर आक्शन मोड़ रे यूपीएटीएस सोमवार सीमा को प्राय सात घंटा धरी जेरा करी एटीएस। ये जेरा बेले सीमा होती प्रश्न बाण से खाइला पचारी पचारि छाल बाहर करदे तदंतकारी संस्था और पचरा उचरा बेले के सब प्रश्न एटीएस पचारि से विषय आम आपण को कहूँ किंतु ता पूर्व नजर पकातु सीमा हैदरों ठार कौन सब जबत करी आंटी टेररिस्ट स्क्वाड। सीमा जबत हो चारोटी मोबाइल फोन, पांचटी वैक्सीनेशन कार्ड, परिचय पत्र, एनआईसी नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। देखो डर का तो खैर इस हुआ जब तक हमारी जांच एजेंसियां क्लियर नहीं कर देती हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है वो सही है, तो डर तो उस दिन निकलेगा जिस दिन जाँच एजेंसियाँ अपना क्लियरेंस दे देंगी, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये। बहरहाल ये आ गई हैं तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं, खुश भी हैं,
लेकिन असली खुशी उस दिन होगी जिस दिन ये चीज क्लियर हो जाएगी। हमारी एजेंसियां जो जांच एजेंसियां ये कह देंगी भी ये जो बोल रही है वो सही है, जैसे बताते हैं कि पांचवी पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मुझे ये लग रहा है कि भाई पांचवी पास एक लड़की दुबई जाके फिर नेपाल आके फिर वापस जाके फिर आके, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है कि यार इतनी कम पढ़ी लिखी, इतनी हाई फाई लेवल की और फिर बोलने में इतनी एक्सपर्ट है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह होता है। सीमा मोबाइल फोन जबत कला एटीएस देखा पाई कंटाक्ट डिटेल और ह्वाट्सअप चार्ट डिलीट कर तेणु ए सब को एवं रिकवरी कला समस्त तथ्य हासिल हो पार केवल एति नुह सीमा जबत होता मोबाइल भितर गोटे मोबाइल संपूर्ण रूपे भांगी जा सहित गोटे सिम कार्ड तदंतकारी संस्था जबत कर एफआईआर कपिरु एभली पर्दाफाश हो एक ऐसी कहानी जिस पर हर कोई यकीन फिलहाल नहीं कर पा रहा है, एक ऐसी कहानी जिस पर पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक चर्चा हो रही है और एक ऐसी कहानी जिसमें फिलहाल जो है अब एटीएस की एंट्री हो चुकी है। लेकिन सीमा हैदर के पास से चार मोबाइल फोन जो है वो बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, देखिए मोबाइल फोन के साथ साथ एक सिम कार्ड जो है वो भी बरामद हुआ है और एक मोबाइल फोन जो है वो पूरी तरह से टूटे हुए हालात में मिला है। यानी कि अब जो है ये कोशिश की जाएगी यूपी एटीएस की तरफ से कि ये जो टूटे हुए फोन है उनमें से जानकारियां जो है वो किस तरीके से जुटाई जा सके। आप ये समझिए, दावा ये किया जा रहा है कि सीमा से जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनका डेटा जो है वो पूरी तरह से पहले से ही डिलीट किया जा चुका है। यानी कि डेटा डिलीट करने के बाद अब ये कोशिश की जाएगी कि डेटा को किस तरीके से रिट्रीव जो है वो किया जाए और नोएडा पुलिस जो है वो डेटा को रिकवर करने में लगातार जुटी हुई है। तो आप ऐसे में समझिए कि अब लगातार पुलिस के सामने ये चुनौती है कि वो जो मोबाइल फोन मिले, यानी कि चार मोबाइल फोन मिले जिसमें से एक जो है पूरी तरह से डैमेज है, अब उस मोबाइल फोन को रिकवर करने के लिए जो है कोशिश ये की जा रही है यूपी एटीएस की तरफ से कि पूछताछ के बाद जो है उन तमाम डेटा को रिट्रीव किया जा सके। दीर्घ सात घंटार अधिक समय सीमा हैदर को पचराउचरा कर दीर्घ दुई दिन धरी लगातार करेरा सोमवार दिन दुईटा बाजि छ मिनिट सचिन मीना घरे पहुंची यूपी एटीएस टीम। सीमा सचिन और बापा एटीएस अफिस् जाते तदंतकारी टीम यहपर प्राय एक घंटा पर तीनटा पंदर में सीमा और सचिन को पचराउचरा आरंभ कर एटीएस टीम। यही चेरा प्राय सात घंटा धरी जारी रही है। सूत्र मिलता खबर अनुसार जेरा समय जो सब प्रश्न पचरा जा प्रश्न नंबर एक सीमा हैदर पाकिस्तान दुबई बाट दे नेपाल और नेपाल भारत केमिंती आसिले। प्रश्न नंबर दुई सीमा पाखे मोबाइल और तक विषय पचरा। प्रश्न नंबर तीन सीमा को पति गुलाम हैदर विषय प्रश्न करएस। प्रश्न नंबर चारि सीमा और पिलामानंकर पासपोर्ट विषय भी पचरा। प्रश्न नंबर पांच सीमा हैदर और सचिन प्रथम साक्षात विषय पचारि तदंतकारी संस्था। या व्यतीत एटीएस पबजी गेम समय सचिन व्यतीत आउ का सहित सीमा कथा होते से विषय भी खोलताड़ कर परिवार विषय पचार सहित नेपाल रे तांको रोहणी विषय सविशेष तथ्य हासिल करछि एटीएस टीम। प्रश्न नंबर छ सचिन और सीमा नेपाल रे सात दिन रही समय उभय नेपाल रे कुआड सब जाते क्या भेटी। प्रश्न नंबर सात सीमा हैदर पर माँ बापा भाई भौणी व्यतीत आउ किए सब रुहति। प्रश्न नंबर आठ सीमा भारत आसवर उद्देश्य कौन केवल सचिन प्रेम। प्रश्न नंबर नौ सीमा भारत आसवा पर अच्छी केदेश कराची रोकता सीमा हैदर बहित चारोटी पिला अच्छा सीमा दक्षिण पाकिस्तान खेरपुर रिंदहजान गाँवर बासीदा या व्यतीत से पाकिस्तान अन्य अंचल भी रही से संपर्कित प्रश्न भी पचारि एटीएस। प्रश्न नंबर दस सीमा हैदर सीन और कराची केवे पर्यंत रही। ये दावा किया जा रहा था कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान में थी तो सचिन यहां से उससे व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए वीडियो के जरिए बातचीत करता था, अपने परिवार से भी बात कराता था। हालांकि परिवार ने साफ कहा था
जबकि उन्हें उसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो इस तरह के विरोधाभासी जो बयान है उनकी यहाँ पर पड़ताल इस वक्त चल रही है और एटीएस चाहती है कि एक एक पहलू को यहाँ पर देखा जाए। जो एजेंट उसे पाकिस्तान से सऊदी अरब और वहां से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल करा सकता है वो एजेंट कौन था। सीमा बेआईन भाव भारत में प्रवेश कर भारत आसवा पर प्रेमी सचिन घरे रोचार से निजक सचिन पत्नी बोली दावी करुवा बेले पाकिस्तानी सेना तथा देशर गुप्तचर एजेन्सी इंटर सर्विसेस इंटेलिजेंस आईएसआई एजेंट बोली सन्देह कारण से एटीएस एवं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी राडारे अच्छा तेज सीमा मोबाइल यह संवेदनशील प्रसंगे गुरुत्वपूर्ण तथ्य जोगे पारे कारण तक मामू और भाई पाकिस्तानी सेना सहित जड़ित अंपटे खूब शीघ्र सीमा पॉलीग्राफ और लाइव डिटेक्शन टेस्ट जदि एवं सीमा सब प्रश्नर मिछ उत्तर देखे तेज यह टेस्ट में सब मिछ धरा पड़ सीमा हाइद सचिन मीना गत किसी दिन धरी यह लव स्टोरी को नहीं जोरदार चर्चा होता बेले एवं क्राइम आंगेल कर बड़ इशारा जदि आईएसआई एजेंट भाव सीमा हाइदर प्रमाणित होती तेरे जेल रे चकी पेशवाक पड़ और प्रेम पगल होता सचिन और परिवार भी जेल जी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। गोटी पटे तदंत एवं अन्य पटे सीमा हाइदर को भूमिका को नहीं संदेह तदंतकारी संस्था आवश्यक पड़िले पॉलीग्राफ एवं लाई डिटेक्शन टेस्ट करने भी प्रस्तुति करुछी। यार भितरे सीमा भारत आसीबा परे एवं मीडिया रे खबर हेबा परे पाकिस्तान ने तांकु नहीं जोरदार चर्चा ए सब भितरे पाकिस्तान छाड़ीबा पूर्वरु से जेउ घरे रहुथिले सेई घरर मालिक देइछंती बड़ बयान एणे भारत रे भी तमाम हिंदू संगठन सीमा को करिछंती बड़ विरोध। गई तो फिर वापस नहीं आई फिर ऐसे इधर चली गई तो हमने लेट से सुना तो इंडिया पहुंच गई हो। सीमा सचिन लव स्टोरी जेतिकी रोमांच भरी ताठरु अधिक द्वंद्व सृष्टि करी लव स्टोरी रे क्राइम एंगल रे एंट्री परे प्रेम कहानी नहीं नुआ मोड़ पाकिस्तान रु लगातार एही मामला रे विभिन्न प्रतिक्रिया सामना को आसुची क्रम रे निजकु सीमा हैदर घर मालिक कहुतिबा मंजूर हुसैन बयान मध्य चर्चा रे रहिछि। तांका कहिबा अनुसार पाकिस्तान छाड़ीबा पूर्वरु सीमा गां छाड़ीबा कथा कहिथिले कहा जाउछि जे सीमा पाकिस्तान कराची रे एही स्थान रे रहुथिले। अभी भी ऐसा ही बोला भाई हम जा रहे हैं गांव, तीन चार दिन हमारे सामान का ख्याल रखो फिर हम वापस आ जाएंगे। गई तो फिर वापस नहीं आई। मिस्टीरियस ओमेन सीमा हैदर कहवा अनुसार पबजी गेम रु धीरे धीरे दोस्ती एवं परे सचिन का सह प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला। संपर्क एत निविड़ है जे से भारत पलै आसिले। पबजी पेस का कोई राबता हो गया फिर ऐसे इधर चली गई तो हमने नेट से सुना तो इंडिया पहुंच गई है हमारे को तो यही पता है। किछि दिन पूर्वे सीमा को नेपाल रु भारत अवैध भावे प्रवेश करिबाने गिरफ करा जायतिला। अन्य पटे सचिन को मध्य अवैध शरणार्थी को आश्रय देबा मामला रे गिरफ करा जायतिला परे उभयंको कोर्ट शर्तमूलक जमीन प्रदान करथिले आउ एबे सीमा को आईएसआई एजेंट लिंक नहीं छानबीन जारी रखी यूपीएटीएस। मैं पाकिस्तान से जहाज से आई थी फ्लाइट थी मेरी फ्लाइट दुबई की कनेक्टेड फ्लाइट थी दुबई से काठमांडू तो वहीं से फिर वैन पकड़ी पोखरा से मैंने बस करके दिल्ली की कराई 15,000 में हमारी 3 सीट बुक हुई नेपाली 15,000 वहां से दिल्ली की मैंने बुक करी तो दिल्ली से रास्ते में उन्होंने मुझे उतार दिया। एक ही आया था ज्यादा नहीं आया मतलब नेपालियों ने तो मुझसे पूछा ही नहीं मुझसे बात ही ना करी जब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ना तो उन्होंने मुझसे बात भी ना करी मतलब ऐसा जब बॉर्डर आने से पहले जो बस का कंडक्टर था उसने हमारे नाम लिख दिए थे कि सीमा मेरे बच्चों का इंडिया का एक ही पुलिस ऑफिसर आया था ओनली एक ही आया था वो सब अच्छा बहुत अच्छा था वो उसने बस मुझसे एड्रेस पूछा पति का नाम पूछा और
मेरे बच्चों से प्यार कर रहा था, बीमार थे ना मेरे बच्चे, सारे से गोदी में पड़े हुए थे, इसी साथ उन्होंने कुछ सवाल नहीं करे, वो बहुत अच्छा इंसान था शायद, बस यही उन्होंने कार्ड वार्ड कुछ नहीं पूछा मुझसे। हाँ बस ऐसा पूछ रहे थे कि तुम्हारे पति क्या करते हैं या कहाँ जा रही हूँ, नोएडा जा रही हूँ रब्बूपुरा में, तो इनका नाम बताया मैंने, कहा ये मेरे पति हैं, मैं वहीं जा रही हूँ, मैं ठकराया हूँ, वो ठाकुर है, इससे ज़्यादा उन्होंने सवाल ना करे। और बस अब कितने दिन ट्रैवल रहा आप, कब चली थी पाकिस्तान से, किस तारीख को चली थी? मैं 10 मई 4 बजे चली थी, 10 मई 4 बजे, और फिर यहाँ आई है 13 तारीख को, यानी 3 दिन लगातार सफर रहा है। जी सर। तो पहले यहाँ से दुबई गई, दुबई में तो आपके पति भी थे ना? मैं वो तो सऊदीया में है, पर मैं दुबई में थी, दुबई में मेरा फ्लाइट। इस दौरान 3 दिनों में कोई बातचीत हुई पति से? ना, इन दिनों में ना हुई। मैं उधर एयरपोर्ट के अंदर ही थी, एयरपोर्ट से बाहर हम गए ना, कनेक्टेड फ्लाइट थी ना, एयरपोर्ट से बाहर आउट नहीं जाने देते, तो वहीं से दूसरे जहाज में बिठा दिया, फिर काठमांडू 11 की सुबह में पहुंच गई काठमांडू। ठीक है सर, काठमांडू के बाद वैन पकड़ी, मैं गई सीधा पोखरा, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि पोखरा से आपको दिल्ली की बस मिल जाएगी आराम से। अच्छा। किसी ने वही नेपाल में ही पता पड़ी ना, नेपाल लोग सब हिंदी कर लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं। बिना भिसारे सीमांकर भारत प्रवेश को नहीं वर्तमान तदंत जोर धरी, पासपोर्ट आधार कार्ड एवं पिला जड़ित अन्न्य कागज पत्र जांच करुछंती तदंतकारी संस्था। अन्यपटे सीमा को गुइंदागिरी संदेह रे आरंभ होइछि विरोध प्रदर्शन, विभिन्न हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करिबा सह 72 घंटा भितरे सीमा को पाकिस्तान पठाइबाकु करिछंती अपील। 5वीं फेल होने के बाद भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, इस तरीके से मीडिया में बयान देना, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और चारों बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क की ये महिला हमारे देश की एकता अखंडता को किसी भी रूप में कितनी भी बड़ी चुनौती दे सकती है, जिसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं अपने गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल जिस तरीके से भगोड़ी औरत जिस तरीके से इस देश में अंदर नेपाल के माध्यम से देश के अंदर घुसी है, ये कोई साधारण महिला नहीं है। हमें अपनी देश की एकता और अखंडता से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना है और इसको तत्काल निकाला जाए। रहस्यमय सीमा हैदर का मिस्टीरियस लव स्टोरी, सीमा हैदर का प्रकृत परिचय कौन, सतरे कौन से प्रेमिका न जाने प्रहेलिका, सतरे कौन से पाकिस्तान गुइंदा काम करती, ए सब प्रश्नर उत्तर खोजा दराटी होटीएस देखा कथा गहन बनरु चेर खोजारे केते सक्षम होउछि तदंतकारी संस्था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एबे नै जिबा गोटे छोटो ब्रेक, ब्रेक परे देखिबा सीमा लव स्टोरी सह जड़ित आउ एक बड़ खबर। ब्रेक परे स्वागत। सीमा हैदर को प्रश्नबाड़े घायला करुछि तदंतकारी संस्था, अन्य पटे किंतु तांकरी सातदरिया पारी लव स्टोरी को नहीं चर्चा जोरदार। लव एवं क्राइम एंगल भितरे आउ एक तथ्य सामना को आसी, केवल सीमा हैदर नुहंती, तांक पूर्वरु आउ जणे महिला भारत को एमिति अवैध भाबे प्रवेश करथिले। देखंते रिपोर्ट। मिस्टीरियस ओवेन सीमा हैदर, सचिन सीमा लव स्टोरी रे क्राइम एंगल आसवा पर नाना चर्चा, दुई दिन धरी यूपीएटीएस जेरा करुछि, नाना प्रश्न रे खाइला मध्य करुछि, भारत को अवैध प्रवेश करबा पर एबे तांको भूमिका को नहीं संदेह सृष्टि होइछि, कारण आईएसआई लिंक नहीं जोर धरिछि चर्चा। जुलाई 4 तारीख रे तांकर अवैध प्रवेश नहीं गौतम बुद्धनगर पुलिस सीमा को गिरफ्त करथिला, या परे सर्तमूलक जमीन अछंति सीमा हैदर, यार भितरे दुई दिन धरी एटीएस भी करुछि घन घन जेरा। तेबे सीमा हैदर को भारत को अवैध भावे प्रवेश करिबा प्रथम घटना नुहे, बरंग एहा पूर्वरु भी जणे महिला अवैध भावे भारत को प्रवेश करथिले। दुई
2015 मसीहा ना चंदा खान समझौता एक्सप्रेस रे बसी आसीथिले भारत पाकिस्तान रु सीमा पार करी प्राय 100 किलोमीटर भारत मध्य को करथिले प्रवेश ना ताक पाखरे थिला पासपोर्ट ना थिला टिकट समझौता एक्सप्रेस रे बसी से अटारी सीमा पार करी पंजाब रो जलंधर पर्यंत बिना टिकट और पासपोर्ट रे पळे आसीथिले सुरक्षाकर्मी को कहिबा कथा चंदा भारत दरगाह बुलिबा सह शाहरुख और सलमान खान को भेटिबा को आसीथिले कराची रे रहुतबा चंदा पंजाबी उर्दू और हिंदी कहि पारथिले तबे 2015 मसीहा जुलाई 30 तारीख रे चंदा खान वाघा स्टेशन रु ट्रेन रे चढ़थिले साथी रे धरिथिबा एक बैग रे से किछि औषध एवं पाकिस्तानी टंका रखथिले मात्र पाखरे पासपोर्ट किबा भिसा रखि नथिले 2015 मसीहा जुलाई 27 तारीख रे पंजाब रो गुरुदासपुर जिला दीनानगर पुलिस स्टेशन रे आतंकवादी आक्रमण परे यहाँ थिला समझौता एक्सप्रेस रा प्रथम यात्रा से आक्रमण रे 4 जन लोकों को मृत्यु बा सह 3 जन पुलिस कर्मी शहीद होइथिले 3 जन आतंकवादी मध्य से थिरे निहत होइथिले ये आक्रमण परे उभय भारत पाकिस्तान रे चिंता बढ़ी जाइथिला आउ ठीक सही समय रे चंदा खान बिना पासपोर्ट और बिना भिसा रे भारत पलाय आसी समस्तक टेंशन बढ़ाई जलंधर स्टेशन रे पहुंचिबा परे सेठारे पासपोर्ट एवं टिकट जांच करा जाइथिला मात्र चंदा के पाखरे किछि भी नथिला फलर से संध्या घर को आसीथिले आउ रेलवे पुलिस द्वारा गिरफ होइथिले चंदा को गिरफ परे पाकिस्तान हाई कमिशन भारतीय वैदेशिक मंत्रालय को तांको विषय रे तथ्य मागथिले 2 वर्ष जेल रे रहिबा परे से 2018 मसिया रे रिलीज होइथिले या परे तांको अटारी वाघा रोड लिंक दे पाकिस्तान पठाई दे जाइथिला एबे अवैध भाबे भारत रे प्रवेश करिसंती सीमा हैदर नेपाल रे से पशुपति मंदिर रे निज प्रेमिक सचिन मीना को विवाह मध्य करथिले हिंदू मंदिर जाय हिंदू धर्म ग्रहण करी विवाह करिसंती सीमा हैदर आ सिद्धि पाई तांको कम होमवर्क करबा को पड़ि नथिबो कारण जने भिन्न धर्मर महिला आ एक देश को जाय सेठाकर मंदिर रे धर्म परिवर्तन करी विवाह करबा आ दु सहज सेथि पाई त सीमा हैदर को नै एबे अनेक सस्पेंस ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया ए लव स्टोरी रे द एंड केमिति हेबो सतरे कोन सीमा हैदर सचिन मीना को भी धोखा दे छंती कारण सचिन को पूर्वरु तांको जीवन ने एकाधिक पुरुष आसीथिबा नजर को आसीछि खोद तांकर जणे कथित प्रेमिक भी एने बयान दे छंती तेनु सीमा को भविष्यत कोन हेबो ताहा तो समय कहिबो किंतु पबजी गेम रु प्रेम रे अंध होइथिबा सचिन मीना को भविष्यत एबे अनिश्चितता मध्य दे गति करूछि ए क्षेत्र रे राहत इंदरिंकर गोटे शायरी मने पडुछि मुझसे पहले वो किसी और की थी मगर कुछ शायराना चाहिए था चलो माना है छोटी बात है पर तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था समझ सारी छी आज पर स्पेशल रिपोर्ट को इट रखुछु नमस्कार।